हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ होली इजी पीजी मेकअप लुक फॉर दिस होली स्पेशल। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ किया है पॉन्स का लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। सो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पर अच्छे से लगा के अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है सुनिशा का फाउंडेशन कहें या बीबी क्रीम। ये इसे ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता, इसका मीडियम कवरेज है और बहुत ही अच्छा है। सो मेरा रिव्यू भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप अगर देखना चाहते हैं इसका फुल रिव्यू तो ज़रूर देखें। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने नेक अपने फेस पे पूरे उसी के ब्लेंडर से। उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर को मैंने जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है मैंने लगाया। उसके बाद मैं आई लिड पर भी अपने कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई मेकअप भी करना है। सो गाइस, मैं कंसीलर को अच्छे से लगा के उसके बाद मैं ब्लेंडर से अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यूज़ किया है लैक्मे का लूज़ पाउडर में जहाँ जहाँ लगाऊंगी, जहाँ मुझे क्रीज आने की वो है क्योंकि आईलिड पे क्रीज आ जाता है। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है आई शेडो पैलेट, और आई शेडो पैलेट में से मैंने एक न्यूड शेड लिया है और उसे अपने पूरे आईलिड पे मैं प्लेस करूँगी। मैं यहाँ केवल सिंगल आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। और उसी सेम आई शेडो पैलेट से मैंने ब्लैक कलर लिया है और उसे मैं अपने एक विंग आई लाइनर क्रिएट करूँगी। यहाँ मैंने कोई आई लाइनर की यूज़ नहीं किया है। उसके बाद सेम पैलेट से मैं ग्लिटर लूँगी। उसके बाद मैं वही अपने विंग के कॉर्नर पे उस ग्लिटर को प्लेस करूँगी क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। उसके बाद सेम आई शेडो का न्यूड शेड लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन के बाद मैंने यूज़ किया है आईब्रो पाउडर और मैं अपने आईब्रो को शेड करूँगी। फिर मैंने यूज़ किया है मेबलिन का मस्कारा। मैंने कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं की है और ये आई शेडो पैलेट है जिसमें ब्लश दिया हुआ है, तो उसमें से ब्लश लेके मैं अपने चिक बोन एंड हल्के से नोज़ पे अप्लाई करूँगी। फिर मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और हाइलाइटर को मैं अपने चिक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, फोरहेड सब जगह मैं अप्लाई करूँगी एंड अपने ब्राउ बोन पे भी मैं हाईलाइट करूँगी ब्राउ बोन को भी। सो गाइस, सेम पैलेट से मैंने ये येलो कलर पिक किया है एंड मैं येलो कलर से अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक ये क्रिएट होके आया है गाइस। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का लिपस्टिक जो कि डार्क मरून कलर है। मेरा आई मेकअप ज़्यादा हैवी नहीं है इसलिए मैंने अपने लिप को बोल्ड रखा है। उसके बाद मैं यहाँ अपने लिप को हल्का सा हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। कैसा लगा ये लुक आप ज़रूर बताइएगा। और होली लुक है तो बिना अबीर का तो इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने यहाँ हल्का सा अबीर अपने फेस में यूज़ किया है।
गाइज आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब एंड लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो से आप नोटिफाइड रहें। थैंक यू गाइज, बाय।